कोई भी मुश्किल काम करते हैं तो जब मिलजुल कर करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है, चाहे कितना मुश्किल काम क्यों ना हो। ये हर पहलू पर, हर कदम पर हम इसके साथ में रहा हूँ, और चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो या टेक्निकल ट्रेनिंग हो। बच्चे जो इस तरह से निकल के आते हैं वो हमारे अपने नहीं रह जाते हैं, वो पूरे देश के हो जाते हैं। चार पीढ़ियों से लगातार मां भारती के लिए समर्पित परिवार के एक बेटे ने लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग पास आउट कर गांव का ही नहीं बल्कि इलाके का नाम रोशन करने का काम किया। दरअसल हम बात कर रही हैं सोनाखंड के गांव खेड़ला की, जहां पर सूबेदार सतीश कुमार के बेटे हरित खटाना ने लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग पास आउट की। हरित खटाना ट्रेनिंग पूरी होने पर रविवार को अपने गांव खेड़ला पहुंचे, जिनको भोंडसी गांव से ही इलाकावासी डीजे के साथ रास्ते में पड़ने वाली गांवों में स्थापित की गई शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कराते हुए व फूल मालाएं और पुष्प गुच्छे देकर उनका भव्य सम्मान करते हुए गांव खेड़ला लेकर पहुंचे, जहां पर लेफ्टिनेंट की बहन माँ बुआ द्वारा हरित का आरती उतार कर उनको लेफ्टिनेंट बनने की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर हरित खटाना ने लेफ्टिनेंट बनने का श्रेय अपने माता पिता, रिश्तेदार व दोस्तों को दिया है। योगदान तो सभी का रहा है सर, मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का और मेरे नियर एंड डियर वन सबका। मोस्टली आई वॉन्ट टू थैंकफुल दोज हुआर एसोसिएटेड विद मी इन माई ट्रेनिंग इन द इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ऑल्सो दोज हुआर एसोसिएटेड विद मी इन द आर्मी कैडेट कॉलेज विंग ऑल्सो। And I also want to thank my school, that is KV number 2 Delicant, all those supported me a lot, and I am very thankful to everyone, and it's a very proud moment for me and for my family. Today everyone is very happy, as me, my family, my near and dear ones, my relatives, everyone is very happy, and it's a proud moment for everyone. For youngster, I always want to say that hard work is the only key to get success in your life. There is no shortcut for success. The one and only thing that which on which they have to focus, that is hard work. There is no problem as such. जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो जब कोई भी मुश्किल काम करते हैं तो जब मिलजुल कर करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है, चाहे कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो। तो इसीलिए ट्रेनिंग टफ है, रिग्रस है, दैट मेक्स अस मेंटल एंड फिजिकली स्ट्रांग, बट वेन वी विल डू एनी थिंग एज अ ग्रुप, as a team, that work becomes easier. I have future plans. I will do good in the service. I will take responsibility as a lieutenant and I will do good and I will excel in all the endeavors and I will do aspects and in I will propel in every aspect of my life and I will do good and I'll do as much as possible for the army. दिखाई दे रही ये तस्वीरें सोहना खंड के गांव खेड़ला की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हरित खटाना के लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग पास आउट करने पर जहां इलाके के लोगों का हरित को बधाई देने का तांता लगा है, वहीं दूसरी तरफ हरित के परिवार की मां, बहन व भुआ आरती उतार कर हरित को लेफ्टिनेंट बनने पर उज्जवल भविष्य की कामनाएं दे रही हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट हरित खटाना के पिता सतीश कुमार ने बेटे को लेफ्टिनेंट बनने पर शुभकामनाएं देते हुए इलाका वासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका परिवार चार पीढ़ियों से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते हुए आ रही है। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद, और ये बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए, ना कि एक मेरे लिए, ये पूरे समाज, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और अब ये बच्चे जो इस तरह से निकल के आते हैं वो हमारे अपने नहीं रह जाते हैं, वो पूरे देश के हो जाते हैं। और इसके बाद ये हमें बड़े, और दूसरी बात ये कि मेरी चौथी जनरेशन है, ये मेरी पांचवी पीढ़ी है जो लगातार हमने ये फौज को लगातार ज्वाइन करते आए हैं। तो पहले मेरे दादाजी थे, फिर मेरे पिताजी थे, फिर मैं था, फिर ये मेरा बेटा आ गया है। तो इसने और भी हमें ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि हमें लगातार अपनी इस तरह की जो हमारी फोर्स है उसको हमें उसमें ज्वाइन रखना चाहिए और देश के प्रति निष्ठा के साथ में काम करना चाहिए। भले ही लेफ्टिनेंट हरित खटाना लेफ्टिनेंट बनने का श्रेय अपने परिवार को दे रही हूं, लेकिन हरित के लेफ्टिनेंट बनने के पीछे एक ऐसे शख्स का सहयोग रहा जो भारतीय सेना में मेजर हैं, और हरित खटाना के अपने सगे जीजा हैं जिन्होंने हरित को टेस्ट से लेकर ट्रेनिंग तक मोटिवेट ही नहीं किया बल्कि वो गुड़ भी दिए, जिनकी बदौलत आज हरित खटाना ने लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग भी पास आउट कर ली है। बड़ी खुशी होती है और गर्व महसूस होता है जब आपने किसी रिलेटिव को या अपने जूनियर को गाइड करते हैं उसके सिलेक्शन प्रोसेस में, उसकी ट्रेनिंग में, वो फाइनली जब वो पास आउट होता है तो एक बहुत ही जो बोलते हैं सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व की अनुभूति होती है, तो वो मेरे को आज हो रही है। तो आपने कितना मोटिवेट किया और कहाँ कहाँ किया? मैंने उसको जो इनिशियली इंटरव्यू होता है जिसको मैसेजिंग बोलते हैं,
उसी की ट्रेनिंग में। उसके बाद में इनकी ट्रेनिंग जो होती है 4 साल की होती है, काफ़ी कठिन और लंबी ट्रेनिंग होती है। तो हर ट्रेनिंग के हर पहलू पर, हर कदम पर हम इसके साथ में रहा हूँ, और चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो या टेक्टिकल ट्रेनिंग हो, कहीं ना कहीं मैं सीनियर होने के नाते जो चीज़ें मेरे को पता थी, मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको पता चले और इनकी ट्रेनिंग आसान हो। इंसान किसी काम को करने का जज्बा रखता है तो काबिलियत उसके कदम चूमती है, जिसका ताजा उदाहरण हरित खटाना ने लेफ्टिनेंट बनकर साबित कर दिखाया है। वहीं हरित खटाना युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए बोले कि हमें किसी भी काम को लगन व मेहनत के साथ करना चाहिए, निश्चित रूप से हमें उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन देखना इस बात का होगा कि युवा पीढ़ी लेफ्टिनेंट हरित खटाना की बातों पर कितना ध्यान देती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।